गाइस आज थार 4x4 का होगा पार्ट 2 वाला वीडियो। देखते हैं ये थार के अंदर कितनी पावर है, आज देखते हैं ये किसको हरा पाती है फाइट में। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ये ऑरेंज थार की मैं इसके साथ फाइट कराने वाला हूँ। उससे पहले यार आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसकी ये जो ऊपर की रूफ है हम लोग खोल भी सकते हैं, इसके भी डोर्स देखो यार इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आज इसका तो रूफ मैं नहीं ओपन करूंगा, किसी और दिन आपको ओपन करके बताऊंगा, फिलहाल इसका जो रूफ है मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ओपन करने के बाद ये जो थार है कैसी दिखाई देती है आपको मैं एक बार दिखाने वाला हूँ। इसके स्क्रूज वगैरह मैंने पहले ही खोल रखे हैं, जस्ट इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। ओ भाई साहब अब देखो यार ये कितनी ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है, मजा आ गया गाइस अब तो इसको देख के। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसका सामने का जो विंडशील्ड है इसको भी हम लोग चाहे तो नीचे कर सकते हैं या फिर इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं। अब इसका लुक देखो यार, ये सीट जो है प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही थी, अब देख लो एकदम मस्त तरीके से अब नजर आ रही है। और ये भी पूरी की पूरी देखो रियल सीट जैसी इन लोगों ने बना रखी है। तो ओवरऑल अब ओपन टॉप थार ये बन चुकी है। चलो गाइस अभी इसको इस तरीके से भी मैं आपको एक बार चला के बताता हूँ। इसकी स्टीयरिंग यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, ये देखो गाइस है ना कमाल की चीज। ओ भाई साहब देखो कितनी क्लियर नजर आ रही है इसकी स्टीयरिंग यहाँ से। अब थार के साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, देखते हैं इसके ऊपर ये चढ़ पाती है यानी। ओहो इसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी था, इसकी छत खोलने के बाद इसका वेट और ज्यादा कम हो चुका है। और यहाँ पे देखो एकदम बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है, ये झाड़ियों में से भी अपनी थार बहुत आसानी से चल रही है। अब लगाते हैं कार के अंदर GoPro, ये मेरा GoPro Hero 9 है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ गाइस, देखते हैं फिर कैसा फुटेज देखने को मिलता है अपने को। ठीक है अब इसको थ्रोट में ही एक बार चला के बता देता हूँ, ये रहा GoPro का वीडियो सामने मैं खड़ा हूँ। भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं कार के अंदर बैठ के ही कार को ही चला रहा हूँ। इसकी स्टीयरिंग देखो यार कितनी मस्त तरीके से टर्न हो रही है, भाई सच बता रहा हूँ मजा आ गया गाइस कैमरा लगा के, इतना कमाल का फुटेज आएगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और अपनी थार तो भाई एकदम स्टेबल चल रही है ऑफ रोड में भी। ओके गाइस देखते हैं अब ये मेरा वेट खींच पाती है या नहीं। अब देखते हैं क्या ये ऑरेंज थार मेरा वेट खींच पाती है या नहीं। ये क्या हो गया गाइस, ये चलते ही फुस हो गई यहाँ पे, ये देखो मतलब भाई इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि मेरा वेट खींच सके। सेम टेस्ट मैंने जिमनी के साथ भी करके देखा है, जिमनी भी मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही थी। थार को देख लो यार मेरा वेट इतनी आसानी से खींच के लेके जा रही है। अब रेस कराते हैं ऑरेंज थार वर्सेस मॉडिफाइड जिमनी के बीच में, देखते हैं ये दोनों में से कौन जीतता है। दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे पर जिमनी ने यहाँ पे देखो गलत तरीके से चीटिंग कर रखी है, इसने यार धक्का देके थार को साइड में कर दिया है और ये आगे निकल गई है। क्लियरली रेस को जिमनी ने जीत लिया। आप देखते हैं गाइस क्या मॉडिफाइड जिमनी अपनी बड़ी वाली RZ 4x4 थार को रेस में हरा पाती है यानी। यहाँ पे जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया है अपनी 4x4 थार तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। ओ माय गॉड इसकी स्पीड देखो यार बहुत ज्यादा गजब की है, इसके आसपास में भी मॉडिफाइड जिमनी नजर तक नहीं आ रही है। क्लियरली यहाँ पे थार 4x4 जीत चुकी है। अब इन दोनों के बीच में ऑफ रोड में भी रेस लगाते हैं, यहाँ पे एकदम खतरनाक सा दलदल है, बहुत ज्यादा कीचड़ है और पानी भी है। देखते हैं गाइस इतने खतरनाक टेरेन में से दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे थार थोड़ा सा आगे निकल गई है। ओ भाई थार के सामने देखो एकदम बड़ा वाला पत्थर आ चुका है, देखते हैं गाइस यहाँ से निकल पाती है यानी, क्योंकि इसके टायर पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं। सामने का टायर तो आराम से चढ़ गया था पर देखो इसके फ्रेम को पत्थर लगने लगा है। ओ भाई जैसे ही मैंने ट्रिगर ज्यादा दिया है ये आराम से इतने बड़े पत्थर पे से भी निकल चुकी है। आप देखते हैं क्या जिमनी ऊपर चढ़ पाती है यानी। ये क्या हो गया यार, इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस तो बहुत ज्यादा कम है थार के मुकाबले में। सामने का व्हील तो बहुत आराम से चढ़ गया था पर पीछे का व्हील नहीं चढ़ पा रहा है, ये अटक चुकी है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ थार को, देखते हैं गाइस थार क्या मॉडिफाइड जिमनी को टो करके यहाँ से निकाल पाती है यानी। दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दी है, आप देखते हैं क्या थार इसको खींच के यहाँ से निकाल पाती है यानी। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा आसानी से इसने इसको खींच लिया और जिमनी को मैं थोड़ा सा रिवर्स भी चला रहा हूँ ताकि थार को इजी हो जाए इसको पानी में से निकालने में। तो क्लियरली आप देख सकते हो ऑफ रोड किंग सिर्फ थार है भाई साहब।
आप थार 4x4 की रेस करा के मॉन्स्टर बम्बलबी आरसी कार के साथ देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। मॉन्स्टर बम्बलबी के अंदर बूस्टर का बटन होता है, वो बटन अभी मैंने प्रेस कर दिया। ओ भाई साहब, इसने तो थार को ही पीछे छोड़ दिया यार। देखो भाई, इसकी स्पीड बूस्टर बटन दबाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोनों को चलाते चलाते मैं थोड़ा सा ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है। मॉन्स्टर बम्बलबी को मैं कीचड़ के ऊपर से लेके जाने की कोशिश कर रहा था, पर ये तो यहाँ पे फंस गई। फिर मैं पीछे से थार को लेके आया इसको निकालने के लिए। देखो यार, थार ने इसको धक्का देके यहाँ से निकाल दिया। क्लियरली थार यहाँ पे भी जीत चुकी है गाइस। ओके गाइस, अब थार 4x4 की रेस कराते हैं चेज आरसी कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ओ माय गॉड, चेज आरसी कार बहुत खतरनाक तरीके से पत्थर से टकरा के पलट चुकी है। यही पत्थर अगर थार के सामने आता तो थार इसके ऊपर से आराम से निकल जाती, पर फिर भी देखो यार, चेज आरसी कार थार के मुकाबले में बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही फास्ट मोटर दी गई। अब इन दोनों के बीच में क्लाइंबिंग टेस्ट मैं कराने वाला हूं। थार ऑलमोस्ट चढ़ गई यार। ओ भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चढ़ गई है ऊपर। चेज आरसी कार को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है और ये फिसल के नीचे आ चुकी है। यहाँ पे थार का हिल डिसेंट भी बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है। देखो गाइस, इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर से भी ये बहुत इजीली नीचे उतर के आ चुकी है। इसके सामने देखो बड़े बड़े पत्थर भी है, फिर भी मैं इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ओ भाई, अभी गिरते गिरते रह गए यार। सच में गाइस, थार को मान गए यार। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं मॉडिफाइड जिम्नी वर्सेस ऑरेंज थार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे मॉडिफाइड जिम्नी बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। ऑरेंज थार पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर मॉडिफाइड जिम्नी ने इसको उठा के फेंक दिया है। भाई साहब, जिम्नी इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। अब देखते हैं मॉडिफाइड जिम्नी क्या बिग साइज 4x4 थार के सामने टिक पाती है। यानी यहाँ पे देखो, सीन पूरा का पूरा पलट चुका है। 4x4 थार पूरी तरीके से जिम्नी के ऊपर भारी पड़ चुकी है। यहाँ पे जिम्नी पूरी कोशिश कर रही है 4x4 एक्टिवेट करके इसको रोकने के लिए, पर थार इसको पीछे ढकले ही जा रही है। यहाँ पे जिम्नी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, फिर भी देखो गाइस, थार ने भाई साहब इसको चुटकी बजाते ही पुशबैक में हरा के रख दिया है। आप देखते हैं थको 4 में जिम्नी जीतती है या फिर 4x4 बिग साइज थार जीतती है। यहाँ पे भी 4x4 थार भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है जिम्नी के ऊपर। जिम्नी पूरी कोशिश कर रही है पूरी पावर लगाकर थार को रोकने के लिए, पर थार इसकी भी बाप है यार, थार ने इसको हरा के रख दिया है। यहाँ पे भी देखो गाइस, ये मिट्टी में से इसको घसीट के लेके आई है यहाँ पे। अब मॉन्स्टर बम्बलबी की फाइट कराते हैं 4x4 थार के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। थार ने बहुत जोर से टक्कर मारी है मॉन्स्टर बम्बलबी को और मॉन्स्टर बम्बलबी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्लियरली थार ने इसको चुटकी बजाते ही हरा दिया है पुशबैक में। अब चेस स्टॉर्म आरसी कार की फाइट कराते हैं 4x4 थार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। यहाँ पे भी आरसी 4x4 थार बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चेस आरसी कार को बहुत इजीली पीछे ढकेल रही है। चेस आरसी कार यहाँ पे पूरी तरीके से तूफान मचा के रखी है। देखो गाइस, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रही है, फिर भी यार थार ने इसको हरा दिया है यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों के बीच में थको 4 भी करा के देखते हैं। यहाँ पे भी थार इसको घसीट के लेके जा रही है मिट्टी के अंदर, पर चेस आरसी कार इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी फेंक कर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। थार के ऊपर जहाँ पे भी देखो गाइस, सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। ओ भाई साहब, देखो इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, फिर भी यार आरसी थार ने इसको हरा ही दिया फाइनली। तो ये रही थार की लाइट्स, बहुत ज्यादा पावरफुल रेक्टेंगुलर लाइट्स इसके अंदर दी गई है। अब देखते हैं इसकी हेडलाइट की रोशनी से ही क्या मैं इसको नाइट में चला पाता हूँ या फिर नहीं। ओ भाई साहब, इसकी रोशनी देखो यार, कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं तो इसको जहाँ पे चाहूँ वहां पे चला सकता हूँ बहुत आसानी से। सामने की हर एक चीज क्लियरली नजर आ रही है। इसकी हेडलाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था गाइस। ये है जिम्नी, इसकी तो लाइट्स भाई एकदम अलग लेवल की दी गई है इसके अंदर। जैसे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, यहाँ पे देख लो इस तरह की ब्लू कलर की एलईडी लाइट्स इसके अंदर दी गई है। ये चैनल 4 का स्विच है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो देख लो यहाँ पे धीरे धीरे से इसका कलर चेंज होने लगा है। अब देखो यहाँ पे इसकी हेडलाइट जलने लगी है और कॉर्नर में इस तरह की ब्लू कलर की एलईडी लाइट्स इसके अंदर आ रही है। तो ये सारी की सारी जो लाइट्स है हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर स्विच 1, 2, 3, 4 बोल के दिया गया है, यहाँ से इसके अंदर अलग अलग कलर्स भी हम लोग लगा सकते हैं। अब इसको भी एक बार नाइट में चला के देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने इसके ब्लू लाइट्स ऑन किए हैं तो उतनी खास रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अब देखो इसके हेडलाइट ऑन करने के बाद यार सामने की हर एक चीज क्लियरली नजर आ रही है। जिम्नी की हेडलाइट्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब फाइनली मैं चलाने वाला हूँ ऑरेंज आरसी थार को, इसकी भी लाइट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। नाइट में यार इसको भी मैं बहुत इजीली चला पा रहा हूँ। इसकी तो टेल लाइट भी काम कर रही है जब मैं इसको रिवर्स चला रहा था, तो यार इसकी टेल लाइट मेरे को बहुत ज्यादा कमाल की लगी। हैं क्लाइंबिंग टेस्ट, यहाँ पे देखो मैंने एक मीटर लगा दिया है, यहाँ पे रीडिंग बता रहा है 40 डिग्री का एंगल, 39-40 के आसपास कुछ दिखा रहा है। सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, देखने का इस क्या थार ऊपर चढ़ पाती है या नहीं।
ओ भाई काफी आराम से चढ़ गई यार ये तो ऊपर, ये देखो गाइस बहुत इजी था थार के लिए तो ये क्लाइंब करना। ओके अब मैं जिमनी को चढ़ाने वाला हूँ। ओए पीछे का व्हील देखो यार इसका, यहाँ पे स्लिप हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आगे रख देते हैं हम लोग। अब देखते हैं गाइस ये ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। ओ माय गॉड जिमनी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इजी है। अब देखते हैं मिनी थार ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है यार, देखो यहाँ पे वॉबल करने लगी है। तो थोड़ा सा ऊपर रख के देखते हैं अब ये चढ़ पाती है या नहीं। पूरी कोशिश कर रही है गाइस ऊपर चढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट भाई साहब। ओ भाई यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है गाइस। कुछ अलग तरीके की आवाज आ रही है गाइस इसके अंदर से, तो मेरे को लग रहा है इसकी मोटर बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुकी है। तो यार इसको भी नीचे उतार लेते हैं फटाफट। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको थार 4x4 अच्छी लगी या फिर मॉडिफाइड जिमनी अच्छी लगी या फिर ऑरेंज कलर की थार अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है विष्णु, शुभम, इम्तियाज, जयवीर, किशोर, ऋषि, आकाश, निखिल, राहत, जुबेर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।